हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेकी सम चैनल के एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लिंक एग्जांपल के बारे में, जो कि आर्डुइनो का एक सबसे बेसिक एग्जांपल है कि उसका कोड कैसे वर्क करता है, और उसके में कुछ कुछ जो फंक्शंस यूज हुए उनके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आर्डुइनो से एलईडी बल्ब को ब्लिंक करवाने के लिए हम लोगों को कुछ कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एक आर्डुइनो, दूसरे नंबर पे हम लोगों को चाहिए एक एलईडी बल्ब, और तीसरे पे एक 100 ओम का रेसिस्टर और कुछ वायर। तो आप लोगों को करना क्या है कि पिन नंबर 13 जो आर्डुइनो का होता है डिजिटल पिन, उसमें एलईडी बल्ब का पॉजिटिव लीड को ऐड कर देना, मीन्स जोड़ देना। तो एलईडी बल्ब का जो लंबा वाला लीड होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटा नेगेटिव। तो लंबा वाला ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या वायर के थ्रू कर सकते हैं। और जो नेगेटिव वाला है उसको 100 ओम रेसिस्टर से कनेक्ट कर दीजिए, और जो बचा हुआ 100 ओम रेसिस्टर का पोल है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं या आप ब्रेडबोर्ड से कर सकते हैं दोस्तों, या दोस्तों आप रिवर्स में भी आप ऐड कर सकते हैं। पॉजिटिव वाले में 100 ओम रेसिस्टर को ऐड कर दीजिए और उसको 30 नंबर पिन पे ऐड कर दीजिए, और जो नेगेटिव वाला है उसको तो ग्राउंड में ऐड आपको करना ही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि कोड जो इस एलईडी को ब्लिंक करवाएगा वो कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग अब पूरी तरीके से जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कोड के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो कोड है ये एलईडी को ब्लिंक करवाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस कोड को स्टडी करते हैं कि ये एलईडी को ब्लिंक कैसे करवाता है। तो सबसे पहले जो एलईडी पिन है जिसमें हम लोगों ने एलईडी को कनेक्ट किया है, उसको हम लोगों ने पहले एक वेरिएबल के मदद से इनिशियलाइज किया है। तो वेरिएबल जो हमने किया वो इंटीजर टाइप यूज किया, ये बहुत सारे टाइप के आते हैं, ये मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर इंट जो है वो इंटीजर टाइप के लिए यूज हुआ है, और उसका एक यूनिक नेम एलईडी पिन डाला हुआ है। तो अगर आप दो चार वेरिएबल यूज करते हैं तो सबका अलग अलग यूनिक नेम डालिएगा, और उसमें जो वैल्यू हम मैंने डाला है वो पिन नंबर 13 डाला है, लास्ट में सेमी कॉलन डाल दिया, जिसके कारण यहाँ पे पता चलता है कि कोड ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आपका कोड ख़त्म हो रहा है, अगर वो वॉइड सेटअप के बाहर है या वॉइड सेटअप या वॉइड लूप के अंदर है या उसके बाहर है, तो उसको क्लोज करने से पहले क्लोज करने मीन्स अंतिम में सेमी कॉलन ऐड कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आता है वॉइड सेटअप। तो दोस्तों, ये जो फंक्शन है ये सिर्फ एक बार जल मीन्स रन होता है जब आर्डुइनो पहली बार ऑन होता है। तो इसमें हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं कंपोनेंट का। तो जो वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है वो इनपुट है या आउटपुट है वो हम लोगों को पहले बताना पड़ता है। तो पिन मोड जो फंक्शन है वो बताता है कि एलईडी पिन इनपुट है या आउटपुट है। तो पिन मोड दो पैरामीटर्स लेता है, पहला जो पिन नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी पिन नंबर है, और वो आउटपुट है या इनपुट है। तो जैसे अगर आप सेंसर कनेक्ट कीजिए किए तो उसको यहाँ जहाँ मैंने आउटपुट लिखा वहाँ पे इनपुट लिख दीजिए। तो लेकिन यहाँ पे मैंने तो सेंसर कनेक्ट नहीं किया, मीन्स जो एलईडी है उससे इनपुट नहीं ले रहे हैं, एलईडी में आउटपुट दे रहे हैं। तो इसलिए एलईडी पिन जो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया उसका यूज़ किए पिन नंबर 13 हम लोगों ने एलईडी पिन जो हम लोगों डिक्लेयर किए पिन नंबर 13 उसका हम लोग यहाँ यूज किए और उसको आउटपुट डिक्लेयर कर दिए दोस्तों। तो यहाँ तक हम लोगों का सेटअप पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं वॉइड लूप पे। तो ये जो दोस्तों ये मेन काम करता है, मीन्स यही कोड बार बार रन होता है, मीन्स कंसेक्यूटिवली रन होते रहता है दोस्तों कोड। तो पहला जो इसमें लाइन है वो है डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई। तो ये जो है ये एलईडी पिन जो पिन नंबर 13 है वहाँ पे 5 वोल्ट प्रोवाइड करवाता है दोस्तों। तो डिजिटल राइट का मतलब हुआ कि वो जो डिजिटल पिन पे कनेक्टेड है उसमें कुछ वैल्यू राइट करेगा, और वो जो वैल्यू राइट कर रहा है वो हाई है, मीन्स ये जो जिस पिन में एलईडी कनेक्टेड है वहाँ पे ये 5 वोल्ट सप्लाई करेगा दोस्तों। एलईडी पिन पे दो पैरामीटर ले रहा है, मीन्स पिन नंबर और क्या वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो पिन नंबर 13 पे ये हाई प्रोवाइड करेगा तो शुरू शुरू में एलईडी चल जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है डिले। तो डिले यहाँ पे मैंने 1 सेकंड का किया है, ये जो डिले है ये मिली सेकंड में लेता है, तो यहाँ मैंने डिले 1 सेकंड का किया है दोस्तों। तो यहाँ पे जो डिले है दोस्तों ये एक फंक्शन है जो कि
अगर मैंने यहाँ पे डिले दिया है तो दूसरा कोड लाइन ऑफ कोड जो है वो रन होने से पहले ये एक सेकंड तक वेट करेगा। मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे मैंने शुरू में एलईडी में हाई डाल करके उसको ग्लो करवाया, तो ये डिले 1000 जो है ये एक सेकंड में से मिली सेकंड में अपने अंदर पैरामीटर लेता है, तो 1000 मिली सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड होता है। तो ये 1 सेकंड का डिले मतलब 1 सेकंड बाद दूसरे कोड को रन करवाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये एलईडी 1 सेकंड तक जलता रहेगा और 1 सेकंड के बाद जो मैंने कोड डाला है वो है डिजिटल राइट एलईडी पिन लो। और तो इसके कारण मैंने आपको बताया कि हाई डालने से वो 5 वोल्ट प्रोवाइड करता है, एलईडी जलने लगता है। तो उसी तरह लो जैसे डाल लेंगे तो वो 0 वोल्ट प्रोवाइड करने लगेगा, एलईडी बंद हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये 1000 सेकंड बाद एलईडी जो है वो बंद हो जाएगा। और फिर से मैंने एक डिले डाला है जो कि 1000 सेकंड का है, मीन्स 1000 मिली सेकंड का है, जो कि 1 सेकंड के इक्वल टू होता है। तो 1 सेकंड तक फिर से एलईडी बंद रहेगा। और जैसे कि मैंने बोला था कि ये लूप फंक्शन बार बार कंसेक्यूटिवली रन होते रहता है, तो 1 सेकंड के बाद फिर से लूप फंक्शन रन होगा, तो फिर से एलईडी जलेगा और फिर से 1 सेकंड बाद 1 सेकंड तक जलता रहेगा, 1 सेकंड बाद बुझ जाएगा, फिर 1 सेकंड तक नहीं जल मीन्स बुझा हुआ ही रहेगा और फिर से ये कोड चलते रहेगा। और इस तरीके से ये एलईडी ब्लिंक करता है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कोड अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इसको अपने आर्डियनो बोर्ड पे अपलोड कर देना है। और इस तरीके से हम लोगों ने अपना पहला प्रोग्राम आर्डियनो का क्रिएट कर लिया कि कैसे हम लोग आर्डियनो से एलईडी को ब्लिंक करवा सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।